अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं देसी कुकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अब रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने देसी कुकर लिया 1.5 किलो का, बड़े प्याज 2 अदद, इन प्याज का हमने पेस्ट बना लिया है। हमें चाहिए टमाटर 3 अदद, इन टमाटरों का भी हमने पेस्ट बना लिया है। अदरक हसबे ज़रूरत, लहसुन 4 अदद, क्योंकि खाने में इसकी अपनी लज्जत होती है, अहमियत अफादियत होती है। अदरक लहसुन का भी हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम देसी कुकर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें हसबे ज़रूरत आयल 1 प्याली शामिल करेंगे। आयल गरम हो जाए तो इसमें प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें टमाटर का पेस्ट जो हमने पहले तैयार कर लिया था शामिल करेंगे। अब तमाम मसाले को चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें मसाला जात शामिल करेंगे, सुरख मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और हसबे जायका नमक। इसके अलावा 1 साशे मुर्गी मसाले का भी शामिल करेंगे। टमाटर प्याज का मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें हम मसाला जात शामिल करेंगे। अगर आप चटपटा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच की मदद से अच्छी तरह मसाले को मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला मिक्स हो अच्छी तरह और फिर उसकी भुनाई करनी है। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, मसाले ने आयल छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम देसी कुकर इसमें शामिल करेंगे। मसाले में हमने धोकर इसे फ्रीज किया हुआ था, अब हम इसको ढक्कन देंगे ताकि ये बोटियाँ अलग हो जाए थोड़ी देर में। अब हम 5 मिनट के बाद चेक करते हैं कि अब क्या सूरत हाल है इसकी। देसी कुकर की बोटियाँ अलग हो चुकी हैं। अब हम इसको चम्मच के साथ हिलाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 कप पानी डालकर पकने के लिए रख देंगे। देसी कुकर पकने में टाइम लेता है, इसको आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। आधा घंटा गुजर चुका है, अब चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। देसी कुकर तैयार हो चुका है। अब आप इस पर गार्निश कर लें हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ। अब इसको डिश आउट करते हैं। मज़ेदार देसी कुकर तैयार है। चाहे तो आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। बहुत से लोग देसी खाना पसंद करते हैं, इसलिए आज हमने आपसे देसी कुकर की रेसिपी शेयर की। अगर यही देसी कुकर देसी घी में बनता तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने का शुक्रिया। जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।